नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी के ऊपर आरोप हैं सेक्सुअल असॉल्ट के और किडनैपिंग के, और उस मामले में कोर्ट की एक जजमेंट आई है और कोर्ट की जजमेंट के तहत ये कहा गया है कि जो आरोपी है, जो एक्यूज है अंडर पॉक्सो एक्ट, उसकी बेल एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जा सकती, उसकी बेल इसलिए रिजेक्ट नहीं की जा सकती क्योंकि जो विक्टिम है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो देखी जा रही है और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी है। चूँकि पॉक्सो एक्ट के तहत अब तक ये एक परसेप्शन था कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो जो विक्टिम है उसको ज़्यादा जो है वो फेवर होता है, या एक्यूज जो है वो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो इसको लेकर जो है वो एक मामला जो है वो चल रहा था जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में, रवि कुमार वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय धर, उन्होंने जो है वो इस बात पर जिक्र किया और ये एक जजमेंट दी है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो जो एक्यूज है उसको सिर्फ इसलिए बेल से दूर नहीं रखा जा सकता, यानी उसकी जो बेल है वो इसलिए रिजेक्ट नहीं की जा सकती बार बार, क्योंकि जो विक्टिम है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता। और ये भी हम देखते हैं कि अक्सर जो आरोपी होते हैं वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते, या इस मामले में चूँकि एक तरह से सामाजिक तौर पर जो है वो विक्टिम होता है तो उसको लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं समाज में एक छवि ऐसी बन जाएगी, या जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलों में जो भी विक्टिम होता है वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है, या सामाजिक तौर पर भी उसी की उसको जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा दर्द झेलना पड़ता है, ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ती है, और इसलिए जो है वो कई बार विक्टिम कोर्ट में हाजिर नहीं होता। लेकिन इस मामले में आपको बताएं कि इस मामले में ये 2020 में जो एक्यूज था उसको अरेस्ट किया गया था, और 2020 के बाद लगातार जो है वो उसने कई बार ट्रायल कोर्ट में जो है वो अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसकी बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज होती रही, और दूसरी तरफ जो विक्टिम है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता। और इसलिए कोर्ट ने जो है वो ये इसको डिस्पोज ऑफ करते हुए ये कहा कि द हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ द विक्टिम्स बेल एप्लीकेशन, हाउएवर द ग्रांटेड हिम लिबर्टी टू अप्रोच द ट्रायल कोर्ट अगेन। यानी विक्टिम जो है उसको भी ये कहा है कि आप भी ट्रायल कोर्ट में जो है वो जाइए, और जो एक्यूज है उसको उसकी जो बेल है वो मंजूर की है, और ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके आधार पर जो एक्यूज है उसके जो लीगल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता, उनकी जो है वो अनदेखी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ही ये भी बताया गया है कि 50,000 रुपये का एक पर्सनल बॉन्ड जो है वो एक्यूज से लिया गया, और उसके बाद जो है वो उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी। और ये आपको बताएं कि विद दिस जस्टिस संजय धर ग्रांटेड द एक्यूज्ड बेल ऑन फर्निशिंग ए पर्सनल बॉन्ड इन द अमाउंट ऑफ 50,000 विद वन श्योरिटी ऑफ द लाइक अमाउंट। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर की कॉपी भी जो है वो हमारे पास है। ये आपको बताएं कि रवि कुमार वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मामला था, और FIR जो लगी थी बियरिंग नंबर 45/2020 अंडर सेक्शन 363 एंड 109 IPC एंड सेक्शन 8 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 माफ कीजिए, और अंडर पॉक्सो एक्ट रजिस्टर्ड विद द पुलिस स्टेशन विजयपुर। तो जम्मू के विजयपुर में जो है वो ये मामला दर्ज था 2020 में, FIR लगी, और FIR में जो है वो आरोप थे कि सेक्सुअल असॉल्ट और किडनैपिंग के, और ये मामला जो है वो लगातार चल रहा था। जैसा हमने बताया कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जो है वो जो अक्यूज है उसने बार बार जो है ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसकी बेल जो है वो रिजेक्ट होती रही। और अब ये जो एक बड़ी जजमेंट आई है कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी एक्यूज को जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप हैं और किडनैपिंग के आरोप हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही
जेल में नहीं रहने दिया जा सकता या उसकी बेल एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बार बार जो है वो खारिज नहीं की जा सकती चूंकि जो विक्टिम है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है अब इसके ऊपर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें चर्चा होगी और ये एक बड़ी खबर बड़ी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।